हाय गाइस, वेलकम टू अनदर क्लास। इन द प्रीवियस वीडियो हमने बात की थी डिस्क्रिप्टिव राइटिंग की, एंड टू बी ऑनेस्ट इट वाज द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग एवर। तो अब हम स्टार्ट करेंगे आज, व्हाट इज समरी, हाउ टू राइट द समरी। हमने डिस्क्रिप्टिव किया, मतलब हमने चीज़ों को डिटेल में लिखा, लेकिन अब वक्त आ चुका है कि हम उन डिटेल्स को लेकर समराइज कर दें। ठीक है, तो मतलब आज हम वो चीज़ करने जा रहे हैं जो कि बिल्कुल उलट है। कहाँ एक तरफ डिस्क्रिप्टिव राइटिंग और कहाँ हमारी समरी राइटिंग। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि आखिर ज़रूरत क्या है समरी की, क्यों लोग समरी लिखते हैं और हम क्यों लिखें समरी। एज ए स्टूडेंट हमारा क्या काम है कि हम समरी लिखें। सो सबसे पहले हम देखेंगे कि एक्चुअली समरी की ज़रूरत हमें है क्या और हमसे समरी लिखवाई क्यों जाती है। समरी को हम कह सकते हैं एक शॉर्ट वर्जन। शॉर्ट वर्जन किसी बुक का हो सकता है, शॉर्ट वर्जन किसी भी चीज़ का हो सकता है, कोई ऐसे लिखा हुआ है, कोई स्टोरी है, या फिर टीचर ने आपको लेक्चर दे दिया तो उसके बाद आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि काइंडली इसकी समरी बता दें। ठीक है, तो जो चीज़ें आपकी लेक्चर के दौरान मिस हो जाती हैं तो इस समरी के बाद वो चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। हम एज ए स्टूडेंट हमारे लिए समरी किस तरीके से काम कर सकती है, व्हाई डू वी नीड टू राइट समरी। सो एज ए स्टूडेंट अगर मैं बात करूँ तो मेरे पास इतना वक्त नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल चले एग्जाम्स हैं, ठीक है, अब मेरे पास एग्जाम्स हैं लेकिन मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं सब कुछ पढ़ूँ। ठीक है, तो अगर मैंने अपनी बुक खोली तो आपने नोटिस किया होगा कि बुक्स में अक्सर चैप्टर के बाद समरीज होती हैं। तो हम क्या करते हैं, अक्सर हम लोग डिटेल में जाने के बजाय जो मेन मेन चीज़ें होती हैं उनकी समरी देखकर उसी से काम चलाते हैं। सो डू यू रिमेम्बर दैट और नॉट। अब ये तो हो गई एज अ स्टूडेंट बात, अब हम देखते हैं कि एज अ रीडर हमें समरी की ज़रूरत क्या है। यू गाइस हैव ऑलवेज नोटिस्ड मी टू एम्फसाइज ऑन द रीडिंग। मैंने हमेशा आपसे कहा है कि आप एक राइटर तब तक नहीं बन सकते जब तक आप एक रीडर नहीं हैं। ठीक है, तो चाहे डिस्क्रिप्टिव राइटिंग हो, चाहे आपकी ये समरी राइटिंग ही क्यों ना हो, इन ऑर्डर टू बी अ गुड राइटर आपको रीडिंग करना ज़रूरी है। तो अगर अभी आप रीडर हैं तो आप मेरी बात को आसानी से समझ जाएंगे, लेकिन अगर नहीं भी हैं तो मैं आपको समझाती हूँ। जब आप कोई भी बुक खरीदते हैं या फिर कोई नॉवेल खरीदते हैं तो आप उसकी बैक पर देखते हैं, वहाँ पर अक्सर बेशतर समरीज लिखी होती हैं या फिर समराइज्ड वर्जन ऑफ बायोग्राफी होता है, ऑथर के बारे में शॉर्ट इंट्रोडक्शन होता है या फिर उस बुक में जो जो कुछ है वो वहाँ पर लिखा होता है। तो अगर आप रीडर हैं तो आपको ज़रूर पता होगा, अगर आप नहीं भी जानते तो मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से जब हम कोई भी बुक खरीदते हैं तो हमें कैसे पता चलता है कि उस बुक में क्या होगा। कहा जाता है ना कि डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, तो हम लोग कवर पर तो जाते ही नहीं हैं, हम उसकी समरी देखते हैं। ये मेरे पास एक बुक है डांसिंग जैक्स। अब जब इसका कवर देखूँ तो काफ़ी हसीन है, लेकिन मुझे ये भी होगी क्यूरियोसिटी कि इसमें आखिर होगा क्या। अगर मैंने ले तो ली है लेकिन मेरे इंटरेस्ट की नहीं हुई तो फिर। तो इन्हीं चीज़ों को जांचने के लिए कि कवर भी बहुत अच्छा बना हुआ है और पेजेस भी काफ़ी सही हैं लेकिन इसमें है क्या, तो उसके लिए हम जाते हैं बुक के बैक कवर पर और उसमें होती है यहाँ पर शॉर्ट समरी। यहाँ पर अक्सर औकात ऑथर का इंट्रोडक्शन भी होता है, लेकिन यहाँ पर इस बुक में यहाँ पर इसकी एक समरी है। ठीक है, अब ये आप बुक चेक करें और इसके समरी चेक करें। सो दिस इज हाउ द समरी वर्क्स फॉर अस, इवन फॉर द रीडर्स, फॉर द राइटर्स एंड फॉर एवरीवन। ठीक है, तो जब आप ये समरी पढ़ लेंगे आपको एक आइडिया हो जाएगा। अब ऐसा नहीं होता कि इसमें सारी चीज़ें बता दी जाए, ठीक है, सिर्फ जो मेन पॉइंट्स होते हैं। ये ऐसी चीज़ होती है जो आपको ग्रैब करती है कि आप इस चीज़ को पढ़ें। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर दो टेक्स्ट और भी हैं। ठीक है, यहाँ पर उसके बारे में कुछ लिखा हुआ है जो कि रीडर को कंपेल कर रहा है कि इसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि मिस्टीरियस है, जिसको पढ़ना चाहिए। ठीक है, और उसके नीचे अगर किसी ने उसके बारे में कमेंट किया होगा तो ये वो चीज़ें लिखी होती हैं। तो कहने का यही है मकसद कि जब आप रीडर होते हैं तो आप
यू जस्ट डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, यू जस्ट गो फॉर दिस वन. ठीक है, तो इस तरीके से हमें पता चलता है कि इस स्टोरी की समरी क्या है या इस बुक में जो एलिमेंट्स हैं वो आखिर कहना क्या चाहते हैं. सो सी, दिस इज हाउ समरीज वर्क फॉर अस. ठीक है, अब हम बात करते हैं कि समरी तो हो गई, लेकिन हमने एक और चीज भी सुनी है. समरी के अलावा कहा जाता है कि आप किसी और का काम अपने अल्फाज में लिख कर शोकेस नहीं कर सकते. आखिर वो चीज़ क्या है, तो हम उस पर देखते हैं कि वॉट आर दोज टू टर्म्स जो हम लीगली कर सकते हैं लेकिन दूसरी चीज़ इलीगल है. अब प्लेजरिज्म और पैराफ्रेजिंग आर लिटरली सेम थिंग. लाइक प्लेजरिज्म में भी हम क्या करते हैं कि जो ओरिजिनल टेक्स्ट होता है उसको लेकर हम अपने वर्ड्स में करते हैं और उसको शोकेस करते हैं. अब जो पैराफ्रेजिंग है इसमें भी हम यही चीज़ कर रहे होते हैं, हम डिटेल्स को हटाकर कोई स्पेसिफिक पैराग्राफ दे देते हैं. ठीक है, तो ये भी वही चीज़ है और प्लेजरिज्म भी वही चीज़ है. तो जहाँ डिफरेंस आता है वो ये चीज़ है कि जब आप प्लेजरिज्म करते हो तो आप अपना नाम लेते हो. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने किसी आर्टिकल की समरी लिख दी तो आई विल से कि दिस इज माय वर्क. अब मैं मेंशन नहीं करूँगी कि मेरा जो ये मैंने जो आइडिया लिखा है वो मैंने कहीं और से लिया है. तो ये चीज़ें इलीगल होती हैं और इस चीज़ में आप पकड़े भी जाते हो अगर कोई रीडर आपको देख ले इस काम में, और यहाँ पर कॉपीराइट केस भी हो सकता है. लेकिन जो पैराफ्रेजिंग है इसमें हम जो काम डिटेल से हटा कर समराइज करते हैं उसमें हम अपना नाम यूज़ नहीं करते. हम ये नहीं कहते कि ये हमारा काम है, हम उसमें मेंशन भी करते हैं कि ये काम कहीं और से लिया गया है. ठीक है, या फिर हमारी पैराफ्रेजिंग ऐसी होती है कि जो इस चीज़ का सबूत दे रही होती है कि द समरी इज़ समवन एल्सेस. लिखी हमने है लेकिन काम किसी और का है. तो प्लेजरिज्म से बचना होता है लेकिन पैराफ्रेजिंग इज लीगल, वो हम कर सकते हैं, जिसको हम समरी भी कह रहे हैं. अब प्लेजरिज्म आपने देखा होगा कि अगर आप यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हैं या फिर कॉलेज स्टूडेंट हैं और आपको कोई भी ऐसे सबमिट करवाना है तो आपके टीचर आपसे कहते हैं कि उसमें प्लेजरिज्म इतने परसेंट होना चाहिए या उससे कम होना चाहिए या फिर प्लेजरिज्म होना ही नहीं चाहिए, लाइक 100% ओरिजिनल वर्क. तो उस प्लेजरिज्म में ये होता है कि आप कोई भी चीज़ इंटरनेट से लेते हो, उस चीज़ को थोड़ा बहुत चेंजिंग करके अपने वर्ड्स में करते हो और फिर वो आपकी चीज़ हो जाती है. तो दिस इज़ ऑब्वियसली रॉन्ग. तो इस वजह से आपको टीचर्स मना करते हैं कि आपके काम में प्लेजरिज्म नहीं होना चाहिए. सो अब हम इस चीज़ पर आते हैं कि चलें ठीक है, हमने ये भी जान लिया कि समरी लिखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन हम लिखें किस तरह? जब भी हमारे सामने कोई चीज़ आती है तो हमें समझ नहीं आ रही होती है कि समरी हम लिखें किस तरीके से. सो हम अब उन स्टेप्स पर आ रहे हैं जिनकी हम समरी लिख सकें. अब हम आ चुके हैं स्टेप्स पर, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वीडियो. तो सबसे पहला काम जो बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है, जो कि हम अक्सर बेशतर मिस कर देते हैं, तो फर्स्ट स्टेप इज रीड केयरफुली. यू नो व्हाट, जब आपको आइडिया क्लियर ही नहीं होता कि टेक्स्ट कह क्या रहा है, उसके वर्ड्स की मीनिंग क्या है या फिर उस टेक्स्ट का आखिर आइडिया क्या है, तो आप समरी नहीं लिख पाते हैं. और इसी कमी की वजह से क्या होता है कि आपकी जो समरी होती है वो एग्जैक्ट वही होती है जो कि ओरिजिनल टेक्स्ट होता है. जस्ट आपने क्या किया होता है कि आप साइनोनियम लिख देते हैं और फिर जो लेंथ होती है इवन वो भी सेम ही रहती है. याद रखिए कि समरी का मतलब है कंसाइज वर्जन ऑफ समथिंग. आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप किसी चीज़ को अपने वर्ड्स में लिखते हैं और कह दें कि दिस इज समरी. जब तक उसकी लेंथ कम नहीं होगी तो इससे बेहतर नहीं है कि हम वही ओरिजिनल टेक्स्ट पढ़ लें रादर देन जस्ट रीडिंग योर समरी. तो सबसे पहली बात, रीड केयरफुली, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप.
अब हम रीड करेंगे किस तरीके से, हमें कैसे पता चले कि क्या चीज पढ़नी है और किस चीज को पिक करना है, किस चीज को छोड़ देना है। तो अब मैं उसकी तरफ आ रही हूँ। व्हेनेवर यू थिंक अबाउट राइटिंग समरी, सबसे पहले आप टेक्स्ट को रीड करते हो। नाउ व्हाट्स द करेक्ट वे ऑफ रीडिंग समथिंग, सबसे पहले तो आप उसको रैंडमली पढ़ लो। व्हेन यू रीड फर्स्ट टाइम आप डिटेल्स पर अटेंशन नहीं देते, यू जस्ट रीड इट। इससे आपको आइडिया हो जाता है कि आपने जो टेक्स्ट पढ़ा उसकी नेचर क्या है। फॉर एग्जाम्पल, हमने कोई स्टोरी पढ़ी, अब हो सकता है वो फिक्शन हो सकता है वो नॉन फिक्शन हो, तो हमें एक अंदाज़ा हो गया कि दिस वॉज समथिंग के जो कि हम कर सकते हैं, ठीक है। अब नॉर्मली इसी तरीके से होता है कि आपको दिया जाता है कोई आर्टिकल मैगजीन में से, या फिर आपको दिया जाता है कोई भी कहीं से भी उठाकर कोई स्टोरी दी जाती है, अब उसकी आपको समरी करनी होती है। आपने फर्स्ट रीडिंग उसको दी, अब हम आते हैं सेकेंड रीडिंग पर। जब आप सेकेंड रीडिंग पढ़ते हो तो उसमें आप क्या करते हैं कि सेकेंड रीडिंग में आप वर्ड्स के मीनिंग पर फोकस करते हो। व्हेन यू जस्ट डू दिस, इससे आपको अंदाजा होता है कि टेक्स्ट आखिर कह क्या रहा है आपसे। तो सेकेंड स्टेप में आप क्या करते हो कि वर्ड्स की मीनिंग पर गौर करते हो। हमारे पास सेकेंड पॉइंट क्या आ जाता है, रीड इट ट्वाइस, मीन्स कि हमें दो बार उसकी रीडिंग करनी है। अब हमने दो बार रीडिंग कर ली है, ठीक है, अब हमें पता है कि पैराग्राफ में वर्ड्स कौन से, मीनिंग कौन से, हमें सब पता है, अब हम एक्सपर्ट है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, आप आओगे जनरल से स्पेसिफिक, राइट। तो इससे क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल, अब मैंने पहले पढ़ लिया था, वो डिटेल में पढ़ा था, मुझे एक एक चीज पता थी। अब जब मैं एक बार और पढ़ूंगी तो उससे मुझे क्या आइडिया होगा कि जो जनरल बातें की गई हैं, जिस बात को बहुत लंबा किया गया है, तो उस चीज़ को मैं कह सकती हूँ कि इसको इतने वर्ड्स में बात की जा सकती है, ठीक है। अगर मैंने अपनी रूटीन बताई सुबह से, अब मैंने सुबह का नाश्ता बताया, नाश्ते में डिटेल्स बताई, अब ब्रेकफास्ट, जो मेरा ब्रेकफास्ट था वो काफ़ी लंबा हो गया, तो मैं क्या करूँगी कि मैंने सिर्फ इतना कहना है कि आई जस्ट हैड ब्रेकफास्ट एंड दैट्स इट। मैं डिटेल्स नहीं बताऊंगी कि मैंने उसमें क्या खाया, कितना खाया, लाइक आई जस्ट गो फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक कि मैंने ब्रेकफास्ट किया एंड दैट्स इट। और आप क्या करोगे, सबसे इम्पोर्टेंट बात जो होती है, वैसे तो पेपर पर लिखना मना होता है, लेकिन आप अपनी अपने आप को याद कराने के लिए आप कर सकते हो, पेंसिल से आप थोड़ा सा हल्का सा अंडरलाइन कर दो, या फिर अगर आप किसी पेपर से पढ़ रहे हो उस पर आप कर सकते हो तो आप उसको हाईलाइट कर दो, लाइक जस्ट हाईलाइट द मेन पॉइंट जो आपको लग रहा है। लाइक पूरा पैराग्राफ था रूटीन का, उसमें मैंने बताया कि मैंने ब्रेकफास्ट किया, उसमें ये खाया, ये किया, ये किया, ये किया, ब्रेकफास्ट के बाद मैंने बहुत सारी चीज़ें की, तो आपने उसमें से स्पेसिफिक पिक करना है कि मैंने सबसे पहले ब्रेकफास्ट किया, ब्रेकफास्ट के बाद न्यूज़पेपर पढ़ा, न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद मैं तैयार हुई इस तरीके से, यहाँ गई, वहाँ गई, स्पेसिफिक, लाइक जो चीज़ें मैंने मेन की हैं आपने वो बतानी है दिन में, आपने डिटेल्स में नहीं जाना। तो दिस इज़ हाउ यू डू इट, कि उसके बाद आपने क्या करना होगा, हाईलाइट। जो आप हाईलाइट करेंगे, जब आप नेक्स्ट टाइम लिखेंगे ना समरी, तो आपने सिर्फ उन हाईलाइट्स को देखना है, यू जस्ट डोंट हैव टू डू एनी अदर थिंग, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा कि अब हमारा प्रोसेस जो समरी लिखने का था वो स्टार्ट हो रहा है। अब हमने सब कुछ हाईलाइट कर लिया, हमें पता है कि हमारी समरी कहाँ से स्टार्ट होगी, कहाँ एंड होगी, एंड व्हाट आर द ऑल द थिंग्स। तो अब आता है इम्पोर्टेंट पॉइंट, जहाँ पर हमने एक्चुअल में समरी को लिखना है। तो यहाँ पर आप लिखते हो सबसे पहले रफ ड्राफ्ट, तो व्हाट डू आई मीन बाय रफ ड्राफ्ट, आप क्या करते हैं, आपने पैराग्राफ पढ़ लिया दो या तीन बार, आर्टिकल है, ऐसे है, जो भी चीज है, आपने उसको पढ़ लिया दो तीन बार, अब आपने
हाईलाइट भी कर लिया, अब आपने हाईलाइट को देखना नहीं है, ठीक है। अब उसको बंद कर दें, पैराग्राफ ऐसे जो भी है, अब आप लिखें, आपको जो भी चीज़ याद है ना आप लिखें, अब आप उसे किसी भी लैंग्वेज में लिखें, इट जस्ट डिपेंड्स ऑन यू, ठीक है, जस्ट डोंट बॉदर अबाउट इट। अब ये कौन सा प्रोसेस है, ये वो प्रोसेस है जहाँ पर हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, दिस इज नॉट कि आप क्लासरूम में इस तरह से करना शुरू कर दो, ऐसे तो फिर सारा टाइम चला जाएगा। सो आपने क्या करना है, ये प्रैक्टिस प्रोसेस है, तो आपने सबसे पहले क्या करना है, सब कुछ कर लिया सारा, अब आपने उसको बंद करके लिखना है। अब इस लिखने से क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि आप क्या चीज़ लिख रहे हो, आपने क्या लिखा, जब आप इसी पैराग्राफ को रफ ड्राफ्ट को देखकर ओरिजिनल देखोगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि आपने कौन सी डिटेल्स मिस की हैं। अब आप पूरा पैराग्राफ नहीं पढ़ोगे, आप हाईलाइट्स को देखोगे कि आपने कोई मेन पॉइंट मिस तो नहीं कर दिया, उसमें आप फिर ऐड करते हो। तो ये तो हमारा हो गया वो प्रोसेस जो कि रफ की तरफ था, अब हम आते हैं कि फेयर किस तरीके से करेंगे। सो बी विथ मी, अब हम आ रहे हैं एक्चुअल समरी लिखने पर, ठीक है। हमने क्या किया, हमने रिवाइज भी कर लिया, हमने रिवीजन भी कर ली, इसको रिवीजन कह दें या फिर आप इसको कह दें कि एडिटिंग भी कर ली, कि जो चीज़ें हमने मिस की थी वो किस तरीके से होनी थी, ठीक है। अब ये चीज़ हो गई, अब समरी होनी कितनी चाहिए, जैसे दीज आर फोर पार्ट्स ऑफ समथिंग, ठीक है, ये पूरा समझे आपका आर्टिकल है, यहाँ पर लिखा हुआ है सब कुछ। अब जब आप समरी लिखोगे तो वो समरी इतनी होगी, यू अंडरस्टैंड दैट, के जो इसके सारे पार्ट्स हैं उसमें से सिर्फ एक हिस्सा आप समरी का करोगे, बाकी सारे हिस्से छोड़ दोगे। अब इसी में आप देख लो कि कितनी डिटेल्स आपको छोड़नी पड़ेंगी। जब आप इसका इतना पार्ट लिखोगे तो ये जो पार्ट होगा बहुत मेन होगा, उसमें आप सब कुछ बताओगे लेकिन कंसाइज करके। ना बात आती है कि चलो ठीक है हम किसी तरीके से सारी डिटेल्स भी ऐड कर लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, हम लैंग्वेज किस तरीके से लिखेंगे, और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि हमारे सेंटेंसेस का जो स्ट्रक्चर होगा वो किस तरीके से होगा। सो लेट्स डिस्कस दिस थिंग। अच्छा जी, अब सबसे पहली बात कि आप जो लैंग्वेज रखोगे वो सेम रखोगे, जिस तरीके से ओरिजिनल ड्राफ्ट में बात की गई होगी, आपने जो अपनी समरी है उसमें भी उसी तरीके से बात करनी होगी। ऐसा नहीं होगा कि आपने ये लिख दिया कि आई रेड दैट शी हैड ब्रेकफास्ट, आप इस तरीके से नहीं कहोगे, आपने इतना ही लिखना है कि आई हैड ब्रेकफास्ट एंड दैट्स इट। और उसके बाद आपने देखना है कि आपके जो सेंटेंसेस हैं उनकी लेंथ जो है शॉर्ट होनी चाहिए। अगर बड़े बड़े सेंटेंसेस होंगे तो आपका पैराग्राफ बड़ा होता जाएगा। अब ऐसा भी नहीं करना आपने कि आप एक ही सेंटेंस में पूरे पैराग्राफ की बात कर दो और आपकी समरी बन जाए, आपने उसको शॉर्ट रखना है, ज़्यादा लंबे सेंटेंसेस नहीं लिखने, ठीक है। जब आप पूरा ड्राफ्ट पढ़ लोगे तो उसके बाद आपने देखना है कि अगर उसमें लिखा है कि आई केम आउट ऑफ द हाउस एंड आई स्टार्टेड द बाइक एंड डिड दिस एंड दैट, ठीक है, तो आपने इतनी सारी डिटेल्स दे दी, आपने सिर्फ इतना बताना है कि आई जस्ट केम आउट ऑफ द हाउस एंड रोड ऑन द बाइक, और जो भी आपने कहना, क्या हो सकता है अगर बाइक ना हो कोई कार हो तो आप उसको कह सकते हो कि इस तरीके से मैंने उसको ऑपरेट किया एंड दैट्स इट। आपको डिटेल्स बताने की जरूरत नहीं है कि आप नीचे किस तरीके से आए, आप घर से बाहर किस तरीके से आए, यू जस्ट डोंट हैव टू गिव डिटेल्स अबाउट इट। तो बात हो गई कि सेम होनी चाहिए लैंग्वेज, उसके बाद जो है शॉर्ट सेंटेंसेस यूज करने चाहिए। अच्छा एक और बात कि आप साइनोनियम्स का इस्तेमाल ज़्यादा करो। अब जाहिर है हमें वो भी तो करना है ना, अपनी समरी को थोड़ा सा डिफरेंट भी दिखाना है, तो आप साइनोनिम्स का यूज कर सकते हो। वैसे भी सबको पता होगा कि आपने जो ड्राफ्ट लिखा है वो किसी चीज़ की समरी लिखी है, तो यू जस्ट डोंट हैव टू वरी अबाउट कि अगर मैंने साइनोनिम्स लिखी है और किसी ने मुझे प्लेजरिज्म का केस कर दिया तो फिर क्या होगा।
दिस इज नॉट द केस. अगर आप किसी भी चीज़ की समरी लिख रहे हो तो उसका ओरिजिनल आपने मेंशन करना होगा नीचे, या ऊपर से आप लिख दीजिएगा कि समरी ऑफ दिस और दिस थिंग. तो इस तरीके से क्या होगा कि प्लेजरिज्म के तो सीन ही नहीं होगा. फिर आप सिर्फ पैराफ्रेस करोगे, और पैराफ्रेस में आप उसको अपने वर्ड्स में लिखते हो, आप साइनोनिम्स का इस्तेमाल करते हैं, और इस तरीके से फिर आपकी जो समरी है वो बन जाती है. सो दीज आर द स्टेप्स वेयर यू राइट योर समरी. अगर आपको अभी भी कोई क्वेश्चन है कि आपको समझ नहीं आ रहा कि किस चीज़ की समरी किस तरीके से लिखनी चाहिए डिटेल में, अगर आप चाहते हैं कि हम इस पर वीडियो बनाएं, तो जस्ट कमेंट डाउन बिलो. सी यू नेक्स्ट टाइम. बाय.